देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच, सिर्फ सच। हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनोज कुमार यादव जी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आज राम कृपाल यादव जी ने पीपा पुल को लेकर के क्या बात कही। जी, दानापुर देरा का लाइफ लाइन है पीपा पुल। दानापुर देरा में 3 लाख की आबादी से लोग जिससे कि वहाँ रहते हैं, जिसके आने जाने में लोगों को सुविधा भी होती है। जब पीपा पुल नहीं रहता है तो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अमुक सहारा एक नावी होता है। हमारे कहने पर पिछले बार भी पहुंच पथ जो है पूर्ण रूप से नहीं बन पाया था, पुनः इस बार जैसे कि ऐसा पुनर्वृत्ति नहीं हो, इसलिए पहले से ही निगरानी में रख करके पहुंच पथ जो है अखाड़ा घाट से लेके पीपा पुल तक ईट सोलिंग का कार्य जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए कि आम जनता के आने जाने में किसी तरह की परेशानी या गाड़ी जैसे कि बहुत धन्यवाद सनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सुनते हैं कि हमारे सांसद जो है पाटलिपुत्र सांसद आगे क्या कहते हैं, इस बात को जानते हैं। एमडी साहब, राम कृपाल यादव बोल रहा हूँ। राम, कैसे हैं एमडी साहब? मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ अपने संसदीय क्षेत्र दानापुर के लिए, दियरा के लिए। अब तो पानी सूख गया है, पुल का निर्माण होना है, फिर पीपा पुल का। तो हम चाहते थे कि छठ के पहले ये पुल का निर्माण, पिछले बार आप लोगों ने प्रयास किया तो हो गया था, यानी डिपार्टमेंट ने प्रयास किया था। आप तो आप एकदम इमीडिएट प्रयास कीजिए, और एक एक हिदायत कर रहे हैं। पिछले बार आपके स्क्रूटिनियर को मैं 2 बार ले भी गया था, वो जो पहुंच पथ है उस पहुंच पथ पर ईंट छोलिंग का भी व्यवस्था रहता है। हमको लगता है कि पहुंच पथ पिछले बार मेरे कहने के बाद भी जो रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आ पाया, तो इस बार पहले ही उस पर निगरानी रखिएगा तो पहुँच पथ अच्छे ढंग से पहुँच जाएगा और लोगों की असुविधा नहीं होगी। कीचड़ पाको पानी सब उठाऊ हो गया था, तो आप पीपा पुल का जी हेलो, हाँ बिल्कुल, और पुल का निर्माण छठ के पहले करवा दीजिए। बहुत लोग जाता है उस इलाके में, पटना से भी लोग जाता है, तो लाभ होगा उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच, सिर्फ सच।